अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेक एंड कुक बाय SRJ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज को ट्राई करके एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी जो सबके घर में ही अज्जा मौजूद होते हैं, तो आइए हम बनाते हैं प्याज के पकौड़े। नॉर्मल जो सिंपल पकौड़े होते हैं वो बना रहे हैं। तो पकौड़ों के लिए मैंने जो है चने का आटा लिया है 2 कप हीट भर के। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 अनियन, मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, रफली चॉप किया है उनको, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 1/2 बंच कोरिएंडर लीफ, उसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ मेरे साथ मैंने लिया है कोरिएंडर ड्राई सीड्स, सूखा धनिया के दाने, वो हम एज इट इज डाल देंगे, इसको क्रश भी नहीं करेंगे, ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। और सीजनिंग के लिए, इसके टेस्ट के लिए मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चाट का मसाला। आप सॉल्ट और जो मिर्चें हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्टली बहुत ही थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। और इसमें जो है मैं इसको मैं पानी से मिक्स करूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको मिक्स किस तरह करना है। इसकी मिक्सिंग के लिए हमें जो है पहले हम सारे चीज़ों को थोड़ा सा इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ताकि आपस में मिल जाएं, ठीक है। ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप इसका जो है वो मिक्सचर बन गया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं वाटर ऐड करूँगी और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको जो है वो हाथ से मिक्स करें। बहुत अच्छे से इसका जो टेक्सचर आपको पता चलेगा कि हमें हाथ से कितना हमको गाढ़ा और कितना पानी हमें चाहिए। तो आइए, मैं इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड किया है मैंने और मैं इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। ये 1 ग्लास और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया, 1/4 ग्लास जितना पानी इसमें ऐड हुआ। इसको अगर मतलब अंदाज़ा लगाएं कि आपका ये बैटर जो है आपके हाथ में इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से हमें इसको तलना है। इसको हम 10 मिनट के रेस्ट के लिए रखेंगे। फिर ऑयल गर्म करती हूँ और फिर मैं आपके सामने इसको मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। पकौड़े तलते हैं। पकौड़े तलने के लिए आपको तेल गरम करना है और मीडियम आंच पे रखना है। और मैं आपको स्पून से भी ऐड करके दिखाती हूँ तेल में, लेकिन मैं फिर हाथ से ऐड करूँगी। इतना गरम होना चाहिए तेल, और मतलब मीडियम साइज़ के आप पकौड़े बनाएं तो बहुत अच्छे रहते हैं। मेरी प्रैक्टिस है हाथ से डालने की, तो इसको ना आप मतलब इस तरह करीब ले जाके फिर आप इस पर डालें तो वो तेल उड़ेगा नहीं आप पे। और हाथ से डालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, ये आपने ले लिया मिक्सचर को हाथ में और फिर आपने जो है वो इसको इस तरह से पोर करते जाना है। इसमें बस आपको करीब जाके ड्रॉप करना है। कलर आना शुरू हो गया है और देखिए ये कितने अच्छे से जो है वो फूल भी रहे हैं, बहुत अच्छे से ये फूल रहे हैं। देखिए पकौड़े फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने फ्लफी मज़ेदार बने हैं। और इसको मैं जो है वो हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, और हरी चटनी जो है मैंने खट्टी मीठी हरी चटनी बनाई हुई है। और इसकी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो खट्टी मीठी हरी चटनी है और उसके साथ हम ये पकौड़े सर्व करेंगे। आप खुद भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, बहुत ही मज़े के पकौड़े बने हैं। और बनाने के बाद ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसे बने, और मुझे रिव्यूज़ दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन का आइकन दबा के आप मेरी रेसिपी सबसे पहले हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।